वेलकम टू यू एकेडमी। इस क्लासेस में आज आप लोगों की एनडीए की बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लासेस में लिमिट के जितने भी एनडीए में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सारे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, मैथ के भी, इंग्लिश के भी, और सारे मतलब एनडीए पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पे आपको मिलेंगे। फ्री क्लासेस होगी, कोई आपको यहाँ पे फीस सबमिट करने का जरूरत नहीं है। और आइए फिर स्टार्ट करते हैं लिमिट। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है लिमिट्स का, ये लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। और ऑप्शन यहां पे दे रखा है जीरो, बी वन बाय टू, सी वन, डी माइनस वन बाय टू। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया हुआ है। अब जैसे यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहां पे लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब हमें पता है कि अगर एक्स की जगह हम यहां पे जीरो पुट कर रहे हैं तो ये वन प्लस जीरो तो रूट वन, और रूट वन की वैल्यू वन होती है, तो वन माइनस वन ये ऊपर तो जीरो आ गया, और एक्स की जगह अगर यहां पे जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो आ रहा है। मीन्स ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि लिमिट्स कभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी क्वेश्चन जीरो बाय जीरो फॉर्म में हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स जीरो बाय जीरो फॉर्म से हटाएंगे, तभी हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये तो आप लोगों को पता है। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये रूट है, तो जब भी क्वेश्चन में रूट हो लिमिट्स के क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप रेशनलाइज कर लीजिएगा, चाहे रूट न्यूमरेटर में हो या डिनोमेटर में हो। तो अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स माइनस वन, वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स, वन प्लस एक्स प्लस वन। अब अगर इसको यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये अगर a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, ये a और ये b, तो एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये होता है, हम यहां पे यूज कर लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स, ये रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर होल ब्रैकेट x वन प्लस एक्स प्लस वन। लिमिट x टेंस टू जीरो और स्क्वायर से यहां पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर वन होता है तो ये वन हो गया, और नीचे x वन प्लस एक्स प्लस वन। अब ये वन से वन यहां पे कैंसिल हो रहा है, तो बचा लिमिट x टेंस टू जीरो x अपॉन में x वन प्लस एक्स प्लस वन। अब यहां से x x कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स प्लस वन। अब अगर हम x की जगह जीरो पुट कर रहे हैं तो अब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। तो जब क्वेश्चन जीरो बाय जीरो फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है तो हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो यहां पे कर दे तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो प्लस वन, तो ये रूट वन प्लस वन, तो वन प्लस वन इक्वल टू वन बाय टू, ये आंसर आ गया वन बाय टू। मीन्स आपका ऑप्शन है ये बी। ये पूरा प्रोसेस से सॉल्व कर रहे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं कर रहे, पूरा कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर रहे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन यहां पे है 2012 का ही, बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट दे रखा है, लिमिट दे रखा है यहां पे आपके पास एक्स टेंस टू टू, और जो फंक्शन है वो है एक्स माइनस टू, और ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ऑप्शन में आपके पास जीरो वन बाय फोर, सी वन बाय टू, और डी वन है। हमें पता है कि अगर x की जगह भी हम 2 पुट कर रहे तो ये ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, तो कभी भी लिमिट 0 बाय 0 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी क्वेश्चन 0 बाय 0 फॉर्म में हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो x टेंस टू 2 x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख देते हैं x का स्क्वायर और 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 और ये x माइनस टू एक्स प्लस टू। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां से बचिए लिमिट x टेंस टू टू वन अपॉन x प्लस टू।
अब ये जीरो का जीरो के फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहां पे टू अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा है। तो जब पुट करेंगे तो टू प्लस टू इक्वल टू वन बाय फोर, आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एनडीए का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी 2012 में पूछा गया है। लिमिट है x टेंस टू माइनस टू और फंक्शन दे रखा है x प्लस टू अपॉन में x क्यूब प्लस 8। अब इसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन आपके पास रखा हुआ है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू माइनस टू x प्लस टू और ये लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 8। अब अगर हम x की जगह माइनस टू पुट कर रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि माइनस टू प्लस टू जीरो आ रहा है, माइनस टू का क्यूब माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8 जीरो, मीन्स ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ रहा है और कभी भी लिमिट जीरो बाय जीरो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी क्वेश्चन जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ रहा हो, सबसे पहले क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ भी करके सिंप्लीफाई करके, मीन्स जीरो बाय जीरो फॉर्म से हटाना है। ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे भी जीरो आ सकता है, बट दोनों साइड जीरो नहीं आ सकता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड अगर जीरो आ रहा है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स टेंस टू माइनस टू एक्स प्लस टू x का क्यूब, 8 को लिख देते 2 का क्यूब, लिमिट x टेंस टू माइनस टू एक्स प्लस टू और यहां से आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी है। तो यहां पे यूज होगा x प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये x प्लस टू कैंसल आउट हो गया। अब यहां पे ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं। अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं मीन्स वन है, अब वन अपॉन कुछ भी आ जाए तो चलेगा, तो हम डायरेक्ट x की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। तो वन अपॉन माइनस टू का स्क्वायर टू इंटू माइनस टू प्लस फोर। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वन अपॉन फोर प्लस फोर प्लस फोर, तो आंसर आपका आ गया 1/12, मीन्स आपका ये सी ऑप्शन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब ये एनडीए का एक और क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट दे रखा है x टेंस टू जीरो, हम यहां पे लिख देते हैं लिमिट हमारे पास है x टेंस टू जीरो वन माइनस टू इंटू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ऑप्शन दे रखा है आपके पास जीरो, वन बाय टू, वन बाय फोर और लास्ट में वन। अगर हम x की जगह यहां पे जीरो पुट कर रहे हैं तो ये वन माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो हम यहां पे एक बार पुट करके दिखा देते हैं, टू इंटू वन माइनस कॉस जीरो इंटू जीरो का स्क्वायर, तो ये हो गया टू वन माइनस कॉस जीरो की वैल्यू वन अपॉन जीरो स्क्वायर, तो टू इंटू जीरो अपॉन जीरो। ओवरऑल ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ रहा है और आप लोगों को पता है कि जीरो बाय जीरो फॉर्म में लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी क्वेश्चन जीरो बाय जीरो फॉर्म में आ रहा है, सबसे पहले आप कुछ भी करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मींस जीरो बाय जीरो फॉर्म से आपको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म से हटाते हैं। एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का कि अगर वन माइनस कॉस एंड थीटा हो तो फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एंड थीटा बाय टू, ये होता है फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि अगर लिखा हो वन माइनस कॉस फोर थीटा तो इसको लिखेंगे टू कॉस सॉरी टू साइन स्क्वायर फोर थीटा बाय टू। अब ये से ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये एंगल है, बट ये से ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका टू साइन स्क्वायर टू थीटा वन माइनस कॉस फोर थीटा। आपका यहां से ये फॉर्मूला से बनकर ये आया, मीन्स ये हो रहा है कि यहां पे जो भी एंगल होगा उस एंगल का यहां पे हाफ हो जाएगा। अगर 4 है तो 2, 6 है तो 3, 3 है तो 3 बाय 2 हो जाएगा। जो भी इस एंगल है यहां पे उस एंगल का यहां पे हाफ हो जाता है। तो ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम यूज करते लिमिट x टेंस टू 0 टू ये 1 माइनस cos x इसी फॉर्म में आ रहा है, तो फॉर्मूला को यूज करेंगे तो 2 sin स्क्वायर x बाय 2 मीन्स इस एंगल का यहां पे हाफ आ गया और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब अगर यहां पे एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन में x है तो 1 होता है। ये 1 तभी होगा जब ये एंगल सेम हो, ये एंगल जो है वो सेम होगा तभी यहां पे 1 बनेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहे कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है और अगर sin 4x है तो नीचे भी 4x होगा तभी ये 1 होगा। अगर 4x ना हो, सपोज करते जैसे लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 sin 4x
बट यहां पे आपको दे दी 7x। अब तो इसको हम 1 नहीं लिख सकते, तो हमें पता है कि यहां पे इजीली अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो आपका क्वेश्चन ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 4 into sin 4x 7 into 4x। अब ये लिख सकते हैं, अब इसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, तो ओवरऑल आंसर जो आएगा वो आएगा 4/7 into 1 मींस 4/7, ये आंसर आएगा अगर ये इस फॉर्म में ना हो रहा हो तो। ये है फॉर्मूला, हम यहां पे लिख देते हैं, ये एंगल विल बी सेम। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, अब यहां पे है x बाय 2। अच्छा एक चीज और, अगर यहां पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे हम लिख देते साइन 2x, तो यहां पे अगर 2x है बट यहां पे स्क्वायर है तो नीचे 4x स्क्वायर होना चाहिए तभी ये 1 होगा। अगर लिमिट जैसे लिखा हुआ है x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 6x तो नीचे 36x स्क्वायर होना चाहिए तभी 1 होगा, मींस इसका स्क्वायर भी नीचे होना चाहिए अगर इसका यहां पे स्क्वायर है तो। अब जैसे क्वेश्चन में अगर लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाय 2 तो नीचे x स्क्वायर बाय 4 होगा तभी ये 1 होगा। आपको हिंट नजर आ रहा होगा कि अब हमें यहां पे क्या करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले अब लिमिट x टेंस टू 0 4 और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x बाय 2 और नीचे हमारे पास x स्क्वायर, तो x बाय 2 का स्क्वायर होता है x स्क्वायर बाय 4 बट यहां पे 4 नहीं है तो हम क्यों ना 4 से डिवाइड कर देते और 4 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हमें ये सेम बनाना है जो भी यहां पे एंगल, अगर x बाय 2 है तो x बाय 2 बनाना है अगर यहां पे स्क्वायर ना होता तो, बट यहां पे स्क्वायर है तो जो भी एंगल है उसका स्क्वायर होना चाहिए। अब ये बन गया स्क्वायर तो 4 से 4 कैंसिल और ये आपका बन गया 1, तो आंसर आपका आ गया यहां से 1 और आपका ऑप्शन है डी। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ऑप्शन दे रखा 0 1 माइनस 1, डी दे रखा 1/2। ये 2013 का क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x - 10x डिवाइडेड बाय x, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x - 10x अपॉन में x, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं। अगर हम x की जगह 0 रख रहे हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0, टेन भी 0, 0 मींस ये 0/0 फॉर्म में क्वेश्चन नजर आ रहा है। और आप लोगों को पता है कि जब भी क्वेश्चन लिमिट के केस में 0/0 फॉर्म में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई मीन सेंस 0/0 फॉर्म से हटाना है, ऊपर 0 आ सकता है नीचे भी 0 आ सकता है बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो सिंप्लीफाई करते कोशिश करते हैं। x टेंड्स टू 0 sin x को तो sin x लिखते हैं, 10x को हम क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x डिवाइडेड बाय x। और एक चीज, जितने भी हम लिमिट्स की क्वेश्चन कर रहे हैं सारे कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं कर रहे। शॉर्ट ट्रिक का एक दो वीडियो डालेंगे इसी में, सारे शॉर्ट ट्रिक के साथ भी क्वेश्चन होंगे और कंसेप्ट के साथ भी होंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब एलसीएम ले लेते तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स कॉस एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, अब यहां से हमारा साइन एक्स कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 एक्स कॉस एक्स। अब ये आपको यहां पे अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये तो 1 बन गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ये 1 होता है, तो ये तो आपका 1 बन गया। आप चाहे तो हटाते जाइए जो जो 1 बन रहा है, तो हम यहां से हटा रहे तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0, इसको हमने हटा दिए तो अब बच गया कॉस एक्स माइनस 1 कॉस एक्स। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इसलिए हम हटा रहे, अगर ये सीबीएसई का होता तो नहीं हटाते क्योंकि हमें आंसर लाना ओवरऑल, तो हम यहां पर सॉल्व करके हमें पता है ये 1 ही आएगा इसलिए इसको यहां पर रिमूव कर दे रहे, तो ये हो जाता cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x। अब यहां से माइनस कॉमन ले रहे तो 1 माइनस cos x अपॉन में cos x ही आ रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 0 ये बन जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और ये बन गया आपका cos x। अब हमें पता है कि नीचे अगर हमें 1 बनाना है तो यहां पे क्या चाहिए, इस एंगल का स्क्वायर अगर स्क्वायर है
तो यहां पे हम स्क्वायर बना देते, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस एक्स। तो यहां पे स्क्वायर बना दिए, ये एंगल था एक्स बाय टू, यहां पे स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर कर दिए। तो जो चीज हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी को यहां पे डिवाइड कर दे रहे ताकि बैलेंस हो जाए, और ये आपका बन जाएगा वन, ये आपका बन गया वन। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस टू, ये ऊपर एक्स स्क्वायर फोर कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गए टू, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू कॉस एक्स। अब एक्स की जगह जीरो पुट करके देख लेते, तो जीरो टू इंटू कॉस जीरो, तो जीरो टू इंटू वन माइनस में, तो माइनस जीरो बाय टू। और आप लोगों को बता चुके हैं कि कभी भी लिमिट सिर्फ जीरो बाय जीरो फॉर्म में नहीं आना चाहिए, जीरो बाय कोई भी डिजिट चल सकता है या कोई भी डिजिट बाय जीरो चल सकता है। तो ये ओवरऑल आंसर आपका आ रहा है जीरो, मीन्स आपका ऑप्शन है